बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके काल में हुई थी? वॉरेन हेस्टिंग, इरविन, मिंटो या कर्जन? और सही जवाब है वॉरेन हेस्टिंग। नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? वॉरेन हेस्टिंग, कार्नवालिस, मिंटो या कर्जन? सही जवाब है कार्नवालिस। बंगाल का टाइगर किसे कहा जाता था? कार्नवालिस, मिंटो, कर्जन, वेलेजली? सही जवाब है वेलेजली। भारत में सहायक संधि का जनक कौन है? वेलेजली, डुपले, कर्जन, कैनिंग? सही जवाब है डुपले। अस्थाई बंदोबस्त किसके कार्यकाल में लागू की गई थी? कार्नवालिस, कर्जन, लिंथिगियो या मिंटो? सही जवाब है कार्नवालिस। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग, हेस्टिंग, लिंथिगियो, मिंटो? सही जवाब हेस्टिंग। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की? जॉन शोर, विलियम बेंटिक, डलहौजी, एलिम्ब्रो? सही जवाब विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन राय किसके समकालीन थे? विलियम बेंटिक, चेम्सफोर्ड, वेलिंगटन, बीवेल? सही जवाब विलियम बेंटिक। सती प्रथा का अंत किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग, कार्नवालिस, वेलेजली, विलियम बेंटिक? सही जवाब विलियम बेंटिक। भारत में नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया? केनिंग, हार्डिंग, ऑकलैंड, एलिनबरो? सही जवाब हार्डिंग। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? हार्डिंग, कार्नवालिस, केनिंग, एलिनबरो? सही जवाब हार्डिंग। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल क्या था? 1844 से 1856, 1848 से 1856, 1856 से 1861 या 1897 से 1904? सही जवाब 1848 से 1856। व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सिर्फ सर्वप्रथम किस राज्य का विलय किया गया था? उदयपुर, नागपुर, सतारा, अवध? सही जवाब सतारा। निम्नलिखित में से किसे राज्य को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था? जैतपुर, अवध, संबलपुर, उदयपुर? सही जवाब अवध। भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? इरविन, कार्नवालिस, केनिंग, डलहौजी? सही जवाब डलहौजी। किस गवर्नर जनरल ने गंगा नहर का निर्माण करवाया? रीडिंग, केनिंग, डलहौजी, मिंटो? सही जवाब डलहौजी। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, केनिंग, लॉरेंस, विलियम बेंटिक? सही जवाब केनिंग। पंजाब में कोका आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? डलहौजी, केनिंग, मेयो, नॉर्थबुक? सही जवाब नॉर्थबुक। ओवेन मेरेडिथ नाम से किसे जाना जाता है? केनिंग, लिटन, मेयो, लॉरेंस? लिटन। प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के कार्यकाल में लाया गया था? रिपन, लिटन, कैनिंग, कर्जन? सही जवाब रिपन। इल्बर्ट बिल का संबंध किस वायसराय से है? वॉरेन हेस्टिंग, डलहौजी, इरविन या रिपन? सही जवाब रिपन। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड, रीडिंग, इरविन या मिंटो द्वितीय? सही जवाब चेम्सफोर्ड। गांधी जी का असहयोग आंदोलन किस वायसराय के समय शुरू हुआ था? इरविन, चेम्सफोर्ड, रीडिंग, वेलिंगटन? सही जवाब चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान पारित हुआ? कर्जन, रीडिंग, इरविन, चेम्सफोर्ड? सही जवाब चेम्सफोर्ड। चौरा चौरी कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? इरविन, डफरिन, रीडिंग,
चेम्सफोर्ड। सही जवाब रीडिंग। अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वाइसराय कौन था? कैनिंग, माउंटबेटन, इरविन, लिन लिथगो। सही जवाब लिन लिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के समय भारत का वाइसराय कौन था? इरविन, माउंटबेटन, लिन लिथगो, बेबेल। सही जवाब लिन लिथगो। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, माउंटबेटन या कैनिंग। सही जवाब माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सही जवाब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। विलियम जोन्स ने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, उस वक्त भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवालिस, वेलेजली, वॉरेन हेस्टिंग, जॉर्ज वार्लो। सही जवाब वॉरेन हेस्टिंग्स। जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, उस वक्त भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवालिस, वेलेजली, वॉरेन हेस्टिंग्स, जॉर्ज वार्लो। सही जवाब वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट प्रकाशन 1780 ईस्वी में शुरू हुआ, उस वक्त भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवालिस, वेलेजली, वॉरेन हेस्टिंग या जॉर्ज वार्लो। सही जवाब वॉरेन हेस्टिंग्स। 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट निम्न में से किसके कार्यकाल में पारित हुआ? कॉर्नवालिस, वेलेजली, जॉर्ज वार्लो, वॉरेन हेस्टिंग। सही जवाब वॉरेन हेस्टिंग्स। दीवानी मुकदमों में जातीय कानून कौन लागू किया था? कॉर्नवालिस, वेलेजली, जॉर्ज वार्लो, वॉरेन हेस्टिंग। सही जवाब वॉरेन हेस्टिंग्स। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान पारित हुआ था? कर्जन, रीडिंग, इरविन, चेम्सफोर्ड। सही जवाब चेम्सफोर्ड। चौरा चौरी कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? इरविन, डफरिन, रीडिंग, चेम्सफोर्ड। सही जवाब रीडिंग। पंजाब का ब्रिटिश भारत में विलय किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? केनिंग, हार्डिंग, डलहौजी, एलिनबरो। सही जवाब डलहौजी। कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्राप्त हुआ था? कर्जन, कैनिंग, हार्डिंग, डलहौजी। सही जवाब डलहौजी। इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में की गई? मिंटो, कर्जन, हेस्टिंग्स, डलहौजी। सही जवाब डलहौजी। लॉर्ड बेलेजली के कार्यकाल में सबसे पहले सहायक संधि करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन था? इंदौर, मैसूर, हैदराबाद, तंजौर। सही जवाब हैदराबाद। सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? अवध मैसूर हैदराबाद पेशवा, हैदराबाद मैसूर अवध पेशवा, हैदराबाद अवध पेशवा मैसूर या मैसूर हैदराबाद अवध पेशवा। सही क्रम है हैदराबाद, मैसूर, अवध और पेशवा। टेनेंसी एक्ट काश्तकारी अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय में लागू किया गया था? मिंटो, कर्जन, हेस्टिंग्स या कैनिंग। सही जवाब हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? कर्जन, कॉर्नवालिस, वेलेजली, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा लागू की? विलियम बेंटिक, कर्जन, डलहौजी और कैनिंग। सही जवाब विलियम बेंटिक। किस चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1883 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1905 ईस्वी का चार्टर एक्ट। सही जवाब
1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन राइट योर कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।